कोरोना का कहर बीते 2 सालों से लगातार बना हुआ है और अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही है। इसी बीच शहर के कारेलीबाग इलाके में मौजूद खासवाड़ी स्मशान में 75 लोगों की अस्थियां ऐसी पड़ी हुई है जो अपने परिजनों का इंतजार कर रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का सामना तो इस वक्त हर कोई कर चुका है और साथ ही तीसरी लहर की आशंकाएं अब तेज हो चुकी है। दरअसल कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान कई लोगों ने अपने परिजनों को गंवा दिया। मृतकों के अंतिम संस्कार भी हुए लेकिन उनके अस्थियां अभी भी मोक्ष का इंतजार कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच शहर के कारेलीबाग इलाके में मौजूद खासवाड़ी स्मशान में 75 लोगों की अस्थियां मौजूद है जो बीते 2 सालों से अपने परिजनों का इंतजार कर रही है। ऐसे में जब BRG न्यूज़ की टीम ने खासवाड़ी स्मशान की मुलाकात ली तब ये सारी अस्थियां एक कबाट में लॉकर में बंद हालत में देखने मिली। इस बारे में जब स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल के साथ बातचीत की गई तब उन्होंने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। घना बदा किस्साओं में अपने बदा जानिए छे के कॉर्पोरेशन साथ संगठन पण एटली सारी रीते काम करतु होय छे। અને આપણે જોયું છે કે પહેલો વેવ, બીજો વેવ અને ત્રીજો વેવ અત્યારે ચાલુ છે ત્યારે કોરોનાના તમામ ફેઝમાં જે પ્રકારે કાર્ય કરવાનું છે એ પ્રકારે તંત્રએ કાર્ય કર્યું જ છે। ક્યાંક આ વિસંગતતાઓ ધ્યાને આવતી હોય છે અને એના ઉપર પણ એક નજર રાખીને એ સારી રીતે આસ્થા જળવાય એ પ્રમાણે એનું કામગીરી કરીશું। ભૂતકાળમાં અમારા બધા જ મિત્રોના સાથ સહકારે પ્રેસના મિત્રોના માધ્યમથી લોકો સુધી પણ એક મેસેજ પહોંચ્યો છે કે જ્યારે કોરોના સમયમાં કોઈ નજીક નહોતું આવતું ત્યારે કેટલાક સંગઠનના અને કોર્પોરેશનના આગેવાનોના માધ્યમથી સારી રીતે આસ્થા જળવાય એ પ્રકારે જે ધાર્મિક વિધિ વિધાન છે એ પ્રમાણે અસ્થિ વિસર્જન પણ કરવામાં આવ્યું છે। આવનાર સમયમાં આની કાળજી રાખીશું। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।